नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सनातन का असर अब प्रभावी हो रहा है, हम ऐसा कह रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जिस सनातन पर उंगली उठा करके कोई अपनी बौद्धिकता को प्रमाणित करता था और इस देश में धर्मनिरपेक्षता का झंडा वरदार बनता था, वही सनातन और वही लोग, अब नजरिया बदल गया है। सनातन वही खड़ा है, क्योंकि सनातन का कभी अंत नहीं होता है। लोगों के विचार बदले हैं, लेकिन बदले हुए विचार पर भी विश्लेषण और संवाद जरूरी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले आप सुनिए वो खबर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दीपोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया और उस कार्यक्रम में संभाषण करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए जाने माने गीतकार, बॉलीवुड से लेकर के पूरी दुनिया में एक गीतकार के रूप में मशहूर जावेद अख्तर ने भी शिरकत की। और जावेद अख्तर ने इस मौके पर जब संभाषण किया तो ढेर सारी बातें की, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो हमें हतप्रभ भी करती हैं, प्रभावित भी करती हैं, और उनके इस सकारात्मक बयान पर बहुत कुछ सोचने को मजबूर भी करते हैं। जावेद अख्तर ने राम सीता का जिक्र किया और राम सीता को भारत की धरोहर बताया, भारत की संपत्ति बताया। यद्यपि उन्होंने एक बार फिर कहा, मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन राम और सीता जो भारत की धरोहर और संपत्ति हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि राम और सीता पे आस्था रखने के कारण हिंदू की सोच आगे बढ़ती है। और इस देश में अगर हिंदू है और राम सीता से आप्लावित उसकी मानसिकता है, तभी इस देश का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बराबर बना हुआ है, धर्मनिरपेक्षता कायम है और ये देश पूरी तरीके से सबका बना हुआ है। बड़ी बात कही उन्होंने और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और आलोचनात्मक व्याख्या में भी उनके इस बयान की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन हमने आपसे शुरुआत में की थी कि सनातन इस तरह से अब प्रभावी हो रहा है कि लोगों का नजरिया बदल रहा है। ये क्या कारण है कि जावेद अख्तर जैसा इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक वर्ग से आने वाला व्यक्ति, जो बॉलीवुड में अपने गीतों के लिए जाना जाता है, जिस हिंदुत्व पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिन्होंने कभी आरएसएस को आईएसआईएस कर दिया, वो अब बदल रहे हैं। सनातन उनके लिए अब बहुत कुछ है। सवाल यह है कि आरएसएस हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात करती है, तो फिर उसमें अगर इनको आईएसआईएस नजर आया, तो अब हिंदू और राम सीता के प्रति इतना प्यार क्यों बढ़ा? या ये एक तदर्थवार अर्थात मौके की नजाकत को समझते हुए सिर्फ एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बात कह दी, या इनके दिल में यह बात है जिसका वो सम्मान करते हैं? हालांकि जावेद अख्तर पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान के इस्लामिक सोच पर उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के उसकी कट्टरता का विरोध किया था, हमें यह भी मानना चाहिए। लेकिन इस देश में जावेद अख्तर के ही कैटेगरी के एक बड़े अभिनेता रहे हैं, उनको अक्सर हिंदुस्तान में डर लगने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नसीरुद्दीन शाह की। और जावेद अख्तर नसीर की तरह तो डरे नहीं, लेकिन कभी कभी हिंदुत्व की आवाज या सनातन की आवाज, जो आज के एक दशक पहले तक अगर वो आती थी या उठती थी तो कट्टरता मान लिया जाता था, यहां तक कि हिंदू आतंकवाद का भी एक गणना या एक शब्द गढ़ा गया था, वो भी प्रचलित हो गया था, और तब जावेद अख्तर इस तरह से राम और सीता के प्रति भाव नहीं रखते थे। लेकिन अब अधिसंख्यक जनता ने बताया कि वो धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए क्योंकि वो राम और सीता की पूजा करती है। जावेद अख्तर ने कहा कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन हिंदू अगर इस देश में है तो यहां धर्मनिरपेक्षता कायम है और राम और सीता इस देश की धरोहर है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए।
बात यहीं तक होती तो ठीक, क्योंकि बहुत सकारात्मक बात की है, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि जावेद अख्तर को समय के हिसाब से अपने को बदलने के लिए आगे करना पड़ा, क्योंकि हिंदुत्व या हिंदू विचारधारा जो सनातन धर्म से पूरी तरह से ओतप्रोत है, वो किसी का विरोध करता ही नहीं, क्योंकि विश्व बंधुत्व की भावना के साथ सनातन आगे बढ़ता है, हिंदुत्व आगे बढ़ता है। अब जावेद अख्तर को ये समझ में बात आ गई। मैंने पहले ही भी कहा कि वो बौद्धिक वर्ग से आते हैं और इस बात को उन्होंने समझ लिया, एक दशक में जो परिवर्तन हुआ वो समझ लिया, और इसमें कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है, समझाया गया तो लोग समझ लिए। पहले हिंदुत्व की बात या सनातन की बात करने वाला संघी माना जाता था, या लकीर पर फकीर कहा जाता था कि एक लीक पर चलने वाला आदमी। अब सब कुछ बदल गया है, अब बौद्धिक वर्ग में हिंदुत्व की विचारधारा को आधुनिक मानवीय परिवेश में बढ़ते हुए भारत के ताकत में अगर कोई इजाफा करता है तो उसमें हिंदुत्व की भी बात सामने लाई जाती है, जिसमें नफरत कहीं नहीं होता। हालांकि यहाँ इस देश में नफरत का बाजार भी बताया गया है कि लगा हुआ है, उसमें कुछ लोग मोहब्बत की दुकान भी चलाते हैं, खैर उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने बड़ी बात कह दी, और दीपोत्सव पर जब उन्होंने ये बात कही तो दिल से एक बात निकली, और इसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। वो ये था कि जब उन्होंने अपने संभाषण को विराम देने की पहल की, तब उन्होंने 3 बार जय सियाराम के नारे लगाए। जय सियाराम, बोलिए जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, आज से जय सियाराम ही कहिए। मतलब साफ है, आपको पता होगा कि जावेद अख्तर लखनऊ से आते हैं, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि लखनऊ का जो कल्चर है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है या किसी से मिलने के बाद उससे दूर जाता है, जुदा होता है, तो वो जय सियाराम बोलता है या जय सीताराम बोलता है। तो अब जय सियाराम या जय सीताराम आज से ही मैं बोलना शुरू करता हूं, ये भी जावेद अख्तर साहब ने कहा। हालांकि जो उन्होंने कहा वो कितनी बार करेंगे, अन्य मंचों पर भी इसका प्रयोग करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 3 बार जिस तरह से उन्होंने जय सियाराम के नारे लगाए, उसे आप सुनिए जरूर, क्योंकि सुनने के बाद आप इस बात पर खुश मत हो जाइए कि जावेद अख्तर एक मुसलमान है, भारत में बहुत लोकप्रिय हैं, और वो बदल गए क्योंकि सनातन ने दबाव बढ़ा दिया। अगर आप इस पर सोच रहे हैं तो गलत है। सनातन की धारा में जावेद अख्तर जैसे लोग किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से एक भारतीय नागरिक के तौर पर, एक बौद्धिक प्राणी के तौर पर स्थापित कर सकते हैं, ये समझिए। और यही हिंदुत्व की वो ताकत है जिसका एहसास अब जावेद अख्तर को होने लगा है, और इसीलिए 2 बड़े बयान हैं जो आप सुनिए, और वो बयान क्या हैं ये बड़े मायने रखते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता, इस देश के हर वासी का हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है तो अपने को हिंदुस्तानी को रामायण उसका संस्कृत धरोहर। वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में? ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, ये वो चीज है जिससे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक है उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जो रामचंद्र का सीता का देश। इन दोनों बयानों के परिप्रेक्ष्य में अगर जावेद अख्तर साहब अब गीतकार हैं तो एक सवाल भारतीय जनमानस उनसे जरूर करेगा, क्या वो इस बात से सहमत हैं कि इस देश में मोहब्बत, माफ करिएगा, इस देश में नफरत का बाजार है और बाजार बहुत गर्म है? क्या वो ये मानते हैं? क्योंकि अक्सर वो इनडायरेक्ट तरीके से नफरत के बाजार को किसी नए शब्दों के आधार पर वो बोलते रहे हैं, और ये सब कुछ एक दशक में ही बोला गया है, उसमें जावेद अख्तर साहब भी रहे, क्योंकि RSS को ISIS बताना, क्या ये एक सही सोच
या सही सोच रखने वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति हो सकती है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो संघ या संगठन आप कह सकते हैं पूरे देश को एक साथ जोड़ने की बात करता है, जिस संगठन में वहां का प्रमुख भी अपने गलतियों को स्वीकार करता हो, वो भी सार्वजनिक तौर पर, वो भी इसलिए क्योंकि देश को एक रखना है, और उसी संघ से निकले हुए लोग जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, वो संसद में ये बोलते हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश है, ये देश रहना चाहिए। ये है वो संघ की परिभाषा, वो भाषा जो संघ से अप्लावित हैं, संघ से उसके विचारधारा से उत्प्रोत हैं, उनके लिए 140 करोड़ का आवाम पंथों के साथ भारत में रहे, लेकिन भारत माता को आगे ले जाने के लिए प्रयास करे, यही वो सोच है। लेकिन उसको उन्होंने आइसिस बता दिया, बदलाव हुआ, और एक ऐसे मंच पर उन्होंने यह व्यक्ति दी है, ये बात कही है, जो अपने हिंदुत्व की विचारधारा के लिए जाना जाता है, मनसे प्रमुख राज ठाकरे का वो कार्यक्रम था। हालांकि अब वो शिवसेना में नहीं रहे, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन विचारधारा से आज भी हिंदुत्व की जो राह है वो राज ठाकरे पसंद करते हैं। लेकिन जावेद अख्तर ने वहां जय श्री राम के नारे लगाए, सीताराम के नारे लगाए, और नारे लगाते हुए नारे लोगों से लगवाया और बोला कि आज से जय श्री राम ही एक अव्यक्त का और अभिवादन का माध्यम होगा जिसको मैं स्वीकार करता हूं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, अर्थात अब कोई मिलेगा तो जावेद अख्तर आदाब नहीं बोलेंगे, वो जय सियाराम बोलेंगे। काश ऐसी शुरुआत अगर हो जाती तो जावेद अख्तर भारत के एक सर्वश्रेष्ठ इंटेलेक्चुअल मुस्लिम भी माने जाते और एक बड़े गीतकार भी माने जाते। लेकिन समय के अनुसार जहां दुकान मोहब्बत की लगाई जाती है, ये कहते हुए कि देश में नफरत का बाजार लगा हुआ है, उस भाषा में हाँ मिला करके, उस माहौल में हाँ मिलाना, अगर उस अंदाज में धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व और जय सिया राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो फिर इसे मौके पर बोला गया सिर्फ बयान माना जाएगा, क्योंकि सनातन की अपेक्षा ही होती है सब हमारे हैं, हम सबके हैं। और बिल्कुल सही कहा है कि इस देश में अगर हिंदू है तभी धर्मनिरपेक्षता है और साझी विरासत आगे बढ़ रही है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, इस विश्लेषण पर आपका क्या कहना, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।